नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कल रात कोलंबो में ऐसा कमाल हुआ कि दुनिया देखती ही रह गई। जी हां, एक खिलाड़ी की जीत की जिद ने मैच में ऐसा पासा पलटा कि टीम इंडिया ने वनडे सीरीज अपने नाम कर लिया। उस खिलाड़ी का नाम है दीपक चाहर, हिंदुस्तान का नया हीरो। आइए देखते हैं उतार चढ़ाव भरा मैच का पूरा एक्शन। ये हिंदुस्तान के हौसलों की जीत है, ये दीपक के दम की जीत है। इन लम्हों का लुत्फ उठाइए क्योंकि ये कभी कभी नसीब होते हैं। जीत का जज्बा और आखिरी गेंद तक हार न मानने की जिद ने कोलंबो में ऐसा कमाल किया कि श्रीलंका की टीम देखती ही रह गई। 82 गेंद पर 69 रन की नाबाद पारी खेली दीपक ने। 84 रन की साझेदारी कर हारी बाजी जिताई दीपक ने। दूसरे वनडे में 65 रन पर 3 विकेट खो चुकी टीम इंडिया मुश्किल में थी। पृथ्वी शॉ और ईशान किशन के बाद कप्तान शिखर धवन भी जल्द ही पवेलियन लौट चुके थे। हैरानी इस बात की थी कि तीनों के तीनों बल्लेबाज खराब शॉट सिलेक्शन की वजह से चलते बने। अच्छे भले खेल रहे मनीष पांडे को जरूरत से ज्यादा जल्दी ले डूबी। पहले ही क्रीज से कोसों आगे निकल आए मनीष इस तरह से रन आउट हुए कि अरसे तक वो खुद को कोसते रहेंगे। जल्दबाजी तो खैर हार्दिक पांड्या ने भी कम नहीं की। एक मैच छुआ बैठे हार्दिक तीसरी ही गेंद पर लौट गए, उनका तो खाता तक नहीं खुला। अब तक एक छोर पर अकेले सूर्य कुमार यादव लड़ रहे थे। 42 गेंदों में उन्होंने हाफ सेंचुरी तक जमा दी थी, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाबी की मंजिल के लिए काफी नहीं थी। दीपक चाहर उस वक्त क्रीज पर आए जब जीत की आस टूट चुकी थी और हार का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। दीपक तो जैसे जीत की जिद लेकर आए थे। Obviously, you know, a few drop catches and it was hot there. And we did well after that, you know, got 2 wickets, you know, knuckleball work today. And in the end, you know, we managed to score, stop them in 270, around 270. And it was, I think, decent score to on this wicket. Yeah. महज 5 विकेट पर 116 रन से 275 पार कर गई टीम इंडिया। श्रीलंका के खिलाफ लगातार 10वां वनडे जीती टीम इंडिया। श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा 93 जीत वाली पहली टीम बनी इंडिया। दीपक की बल्लेबाजी से मैदान का हर कोना गुलजार हो रहा था। उन्होंने भुवनेश्वर के साथ मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजी की ऐसी बखिया उधेड़ी कि दुनिया देखती रह गई। गेंदबाजी में भी कमाल करने वाले दीपक ने बल्ले से ऐसा धमाल किया कि हिंदुस्तान को वनडे सीरीज में जीत के साथ साथ मिल गया एक नया हीरो। मॉनसून सत्र से पहले कथित जासूसी कांड का खुलासा संयोग है या फिर सियासी प्रयोग? आखिर जासूसी की टूलकिट के पीछे कौन है? इसे समझने के लिए आप केंद्र सरकार और विपक्ष के दावों को, दलीलों को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि जासूसी का जंग 2019 से चला रहा है। संसद से सड़क तक केंद्र सरकार और विपक्ष में आर पार की टक्कर है। मुद्दा कथित जासूसी कांड का है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी है।
गृह मंत्री अमित शाह ने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा, विघटनकारी शक्तियों का षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। आरोपों की टाइमिंग और आरोप लगाने वालों को कटघरे में खड़ा करते हुए क्रोनोलॉजी समझाई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पलटवार किया। हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये कहते हैं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये 2017 और 2019 के बीच में इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, पेगासस का इस्तेमाल आप कर सकते हो किसके खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ, कोई ड्रगिस्ट के खिलाफ, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी में आपको अगर कुछ सूचना लेनी हो तो उसके खिलाफ। तो क्या आप लोग टेररिस्ट हो, जर्नलिस्ट? जासूसी हुई या नहीं, इसी बात को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है, जिसके द्वारा, क्योंकि अभी हम किसी भी जो एजेंसीज हैं इस सरकार की उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अगर इस तरीके से के काम हो रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इस तरह से, उनके मैलवेयर, उनके मोबाइल फोन को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, और बड़े बड़े लोग इसमें, ममता जी भी शामिल हैं इसमें, उनके नेफ्यू भी शामिल हैं इसमें, बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर ये बात है तो फिर तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में जांच होनी चाहिए और उनको अपने गिने चुने लोगों के, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपने गिने चुने लोगों की होनी चाहिए। इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को यह प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है। पेगासस की पहेली क्या है, केंद्र सरकार से यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है। कभी खुद को गुनहगार नहीं मानता है तो सरकार भी अपने आप को गुनहगार नहीं मानेगी। और इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई हत्यारा, कोई डकैत, कोई चोर अपने आप को खुद से क्लीन चिट दे। इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। पेगासस का सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर जो कंपनी जो चलाती है, उसकी स्पष्ट ये घोषणा है कि सिर्फ सरकारों के साथ डील करती है। तो बताएं कौन है ये सरकार, कब क्या एग्रीमेंट किया उनके साथ और किसके ऊपर ये जासूसी कर रही है। पूरा ध्यान इस सरकार का है यहाँ पर एक पुलिस स्टेट बनाए और उनके खिलाफ जो भी आवाज आती है या जो भी उनको जो करना है इस तरीके की जासूसी के आधार पर चले। मानसून सत्र में जिस सियासी तूफान से पवंडर आया हुआ है, ये मुद्दा राज्यसभा में 2019 में उठा था। तब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने जासूसी के यही सवाल उठाए थे। सरकार ने कानूनी तौर पर जासूसी कराई, सरकार की जानकारी के बगैर गैर कानूनी तौर पर जासूसी हुई, सरकार ने खुद गैर कानूनी जासूसी कराई, सरकार ने अब तक तो ये माना है नहीं माना है कानूनी तौर पर जासूसी हुई है। पहला सवाल, क्या सरकार या उसकी किन्हीं एजेंसियों ने खुद गैर कानूनी तौर पर पेगासस स्पाईवेयर खरीदा और इस्तेमाल किया? यदि हाँ तो ये स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन है जिसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया है। देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट वायोलेशन के लिए कोई इंटरनल इंक्वायरी का आदेश सरकार ने दिया है? अगर नहीं तो सरकार ने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लिया कि उसकी कोई एजेंसी इसमें शामिल नहीं थी? और सर, हमारा दृष्टिकोण बहुत ही साफ है, जिसको भी शिकायत है वो केस करे, डैमेज ले 5 लाख, 3 साल के लिए जेल भिजवाए, भारत सरकार उस इंक्वायरी में पूरी मदद करेगी। बट गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन टू एनी फिशिंग इंक्वायरी सर, क्योंकि मुझे भी अपने देश के नागरिकों का सम्मान की बात करनी है। अब सर, बार बार बात की कि आपने ये खरीदा कि नहीं, एंड आई वांट टू दिग्विजय जी, बड़े आदर से मैं डिनाई करना चाहता हूं कि पेगासस की मीटिंग को गृह मंत्री जी के साथ हुई थी, जिसका आपने पूरा ये माना है, ये मैं आपको विनम्रता से कहना चाहता हूं। राज्यसभा में जासूसी को लेकर सवाल जवाब हुए थे, उस वक्त कांग्रेस के हर सवाल का जवाब तत्कालीन आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया था। कोई चोरी हुई, चोर ने किसी को गाड़ी इस्तेमाल की, चोर का पता भी है, लेकिन पुलिस सारी पूछताछ गाड़ी के मालिक से कर रही है, चोर जिसका नाम पता मालूम है उससे पूछने की हिम्मत नहीं है। इसलिए मेरा सवाल, क्या सरकार ने एनओसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी का आदेश दिया है?
और उसमें क्या हुआ? लेकिन सर, हमने कहा है कि आपके पूरे हम प्रोसेसेस ऑडिट करेंगे। उन्होंने उसका जवाब दिया है, हमने एक सबसीक्वेंट जवाब उनसे मांगा है, हमने एनएसओ को भी नोटिस भेजी है आपकी जानकारी के लिए, वो भी लिखा हुआ है हमारे जवाब में, हम उनसे भी। लेकिन सर, आप एक बात समझें, एनएसओ और व्हाट्सएप में एक लड़ाई चल रही है अमेरिका में, इट इज दर प्राइवेट बैटल, ओके, वेयर कोइंसिडेंस 1400 नेम्स हैव कम इंक्लूडिंग सम ऑफ इंडियंस। हाउ कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विश टू ज्वाइन ए प्राइवेट बैटल बिटवीन टू कंपनीज? 2009 से विपक्ष और सरकार के बीच जासूसी को लेकर वाक युद्ध चल रहा है। इस बार सिर्फ नया यही है कि नामों का खुलासा एक रिपोर्ट के जरिए किया गया है। वैसे पहले 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस अफसरों की जासूसी कराई थी, तो उससे पहले कांग्रेस के शासनकाल में भी फोन टैपिंग का मुद्दा कई बार उठा, लेकिन हर बार ये मुद्दा कुछ दिनों बाद सियासी गलियारे से गायब हो जाता है। आज तक ब्यूरो। आपने फिल्मों में सुना होगा कि चांद के पार चलो, लेकिन सच में अगर कोई कहे कि चलो अंतरिक्ष की सैर कराएं तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि अब अंतरिक्ष में सैर सपाटा करने वालों की तादाद बढ़ रही है। लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके अंतरिक्ष में पार्टी करने के लिए तैयार है। इस कड़ी में एक और अध्याय जोड़ा है दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस ने। जेफ बेजोस अंतरिक्ष की सैर करके लौट आए हैं। अंतरिक्ष में उड़ान का एक और अध्याय लिखा जा चुका है। अंतरिक्ष के सफर की ओर दुनिया अब एक और कदम बढ़ा चुकी है। आम इंसानों के लिए अंतरिक्ष की सैर का सपना सच होता दिख रहा है, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस की स्पेस ट्रिप ने आसमान में उड़ान के एक और रास्ते को खोल दिया है, जिसे अब तक ज्यादातर लोग सिर्फ कल्पना ही मानते थे। अंतरिक्ष का ये सफर जितना रोचक था उतना ही जोखिम भरा। यही वजह है कि उड़ान पूरी होने के बाद जब जेफ बेजोस अपनी टीम के साथ फ्लाइट से बाहर आए तो इसे अपनी जिंदगी का सबसे शानदार दिन बताया। But this is a tourism mission, and it's very important because it lets us practice, and it will let more people get up into space. And that practice is what will allow us to build the infrastructure to let the next generations of people really do amazing things in space. बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी के न्यू शेफर्ड रॉकेट ने वेस्ट टेक्सास के रेगिस्तान से जब उड़ान भरी तो भारत में शाम के 6:42 का वक्त हुआ था। करीब 3 मिनट की उड़ान के बाद न्यू शेफर्ड रॉकेट से कैप्सूल अलग हुआ और 4 मिनट की उड़ान के बाद 100 किलोमीटर ऊपर निकल गया, जिसके बाद सभी लोगों ने जीरो ग्रेविटी का अनुभव किया। बेजोस की फ्लाइट 11 मिनट तक अंतरिक्ष में रही, यानी इस दौरान फ्लाइट पृथ्वी की कक्षा में नहीं आई। 11 मिनट की फ्लाइट के बाद कैप्सूल पैराशूट की मदद से रेगिस्तान में उतरा। अंतरिक्ष का सफर पूरा होने के बाद पहले टीम ने पूरा परीक्षण किया और फिर जैसे चारों लोग फ्लाइट से बाहर आए जश्न शुरू हो गया। बड़ी बात यह है कि यह ब्लू ओरिजिन की पहली बिना पायलट की सब ऑर्बिटल फ्लाइट है जिसमें आम नागरिक सवार हुआ। सबसे बुजुर्ग और सबसे युवा एस्ट्रोनॉट का रिकॉर्ड भी इसी फ्लाइट से जुड़ गया।
जेफ बेजोस के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वालों में उनके भाई मार्क बेजोस, 82 साल के पूर्व पायलट वैली फंक और 18 साल के छात्र ओलिवर डायमेन शामिल थे। अंतरिक्ष में बेजोस का सफर इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले भी कंपनी की 15 उड़ानें कामयाब रही थीं, लेकिन अब तक यात्री इससे नहीं गए थे। इससे पहले 11 जुलाई को ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रांसन के वर्जिन स्पेसशिप यूनिटी स्पेस प्लेन की फ्लाइट सफल रही थी। वो अपनी टीम के साथ अंतरिक्ष में 85 किलोमीटर तक गए थे, जिसके बाद उन्होंने साल 2022 से कमर्शियल टूर शुरू करने का ऐलान किया था। बेजोस का अभियान भी अंतरिक्ष के टूर के भविष्य के प्लान में बढ़त बनाने का है, जिसका सबसे अहम कदम उन्होंने बढ़ा दिया है। बेजोस ने अंतरिक्ष में जाने के लिए 20 जुलाई की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि अपोलो 11 स्पेसशिप के जरिए एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ठीक 52 साल पहले 1969 में चंद्रमा पर पहुंचे थे और इसी दिन बेजोस ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रच दिया। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।